vai, vai. आप सभी ने बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और संतोष की बधाई हुए भारत विकास परिषद और भारत विकास परिषद को युवा शाखा और भारत विकास परिषद के ट्रस्ट के सभी कमेटी मेंबर सभी अधिकार आप संतोष की बधाई हुए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अपना प्रोग्राम आज सभी के साथ दर्शन जब कभी चालू होने के लिए तो मेरा जो भी प्रस्तुत गाना है और जो भी है तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप जो भी आपके जो नेतृत्व लोग हैं जो प्रोग्राम में आ रहे हैं उनका मुझे एक तरह से फूल करने में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक उनका फायदा है जिससे अपन अपना प्रोग्राम जल्दी से जल्दी चालू कर सकते। Thank you.
एकदम जैसे पंखिया हो
देखिए मैं कैनल काफी कर लिखता हूँ आप जानते हैं आज जो घटना घटी उसका पहुंचाने का प्रयास किया हो तो कम संख्या वाले होनी चाहिए किसी पता था एक दिन ये हम सभा करेंगे और बैठे हुए इंसान और भगवान का सेवा करेंगे लेकिन ईमान ये कहिएगा कि न हिंदू जीता है न हिंदू जीता है न मुसलमान जीता है कोर्ट में अपनी बात पूरा हिंदुस्तान जीता है। मैं आप सबको नमन करता हूँ जितने लोग खड़े हैं कुर्सियां खाली है महाराष्ट्र आप देख रहे हैं तो कुर्सियों की कितनी महामारी चल रही है कितनी यहाँ कुर्सियां खाली है जो जहाँ है कुर्सियां बैठ रहे हैं मैं नमन करता हूँ आप सबको प्रणाम करता हूँ पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे पास 15 मिनट का समय मिला हुआ है मैं सबका नाम लूंगा तो 5 मिनट उसमें भी चलवाने वाला हूँ इसलिए मैं सर्वज्ञ प्रणाम करता हूँ आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आप सबसे मन में छोटा हूँ इसलिए उसको भी शुरू करता हूँ साहब हैरान का व्यापार मेरा हो के सहारे हम आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं हिंदी जब आप तक पहुंचे तो मजा लीजिएगा मैं इसलिए बात बात कर रहा हूँ साहब कि झंडेर वाले की बहुत चावान किसान है जो मुझे मिला है ना बहुत बेहतरीन संचालन करते हैं लेकिन बहुत चावान किसान है। एक महीने के लिए पहले मेरे पास फोन किया सुरे जी आपको आना है मैंने कहा कहाँ आना है बोले माधव बाप में आना है और भारत विकास परिषद की तरफ से एक आइटम है उसमें लोगों को हटाना है मैंने कहा आ जाओ अगर नहीं आप जब फिर स्माइल पर आते हो आजतक पर आते हो वहाँ पर जेल में आते हो आप बहुत सारा पैसा लेते हो हमारा परिवार का कार्यक्रम है समाज का कार्यक्रम है हम समाज सेवा कर रहे हैं हम इतना पैसा दे रहे हैं मैंने कहा खाने वाला था आप बिहार में हमारा पेंशन क्यों ले रहे हैं बोले नहीं हमारी संस्था ईमानदारी है बताओ कितना पैसा लोगे मैंने कहा आपने अपने दिमाग में कितना सोच के रखा होता है तो मैंने कम ले रहे हैं संजय बाबू की तो बहुत खुशी है उन्होंने कहा ना मैंने मतदारी करने के लिए सोचा था तो मैं तो आपके सामने एकदम से मुस्लिम खड़ा हूँ जब तक आपकी ताली बड़ी बदले की तब तक मैं दिलाऊंगा और मैं वहां पर आराम से तरफ जाने आ रहा हूँ। और साहब देखिए हम लोग 10,000 से 20,000 रुपये देंगे जब तक करने वाले लोग हैं क्योंकि आगे लोग बिताने में जाते हैं तो किसकी जो है आगे बच्चे हो समझिए आपकी संख्या कम है लेकिन आपकी तरफ से जो कुर्सी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आपकी संख्या उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी रखी हुई है और ईमानदारी जितनी भी हो उसे हमें प्रणाम करना चाहिए और मैं चाहता हूँ ऐसी मैं ईमानदारों को जो जोर से तालियां बजाऊं कि वहां पर से लाखों बीमारों के तौर पर ज्यादा करना चाहिए हसी हमने का जितनी भी था सब लोग प्रयागराज से आ रहा था पेड़ से एक घटना बन गई और हसी कैसे निकलती है मैं देखना चाहता हूँ जो लोग आप पहुंचते हैं आपको समझ में आता है कि आप किसानों बताएंगे कि आप जल समझते हैं तेरे बच्चे हैं कि जितनी कृषि शाम को और सब कर रहे जितनी कृषि शाम को वो सब कर रही संवेदना के वो मेरे संत कर रही दाई में नहीं थी उसको प्यार हो गया और वो सो गया तो लेकर बेची कर ऐसी हसी आती है कुछ महिलाएं हमारे बीच में हैं हमारी भाभी हमारी बेटियां हमारी बहनें बैठी हुई है जो पंक्तियों में शुरू करूंगा आप आगे बढ़े जो पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं कि होली पर लेकर कुछ कामयाब निकलती है होली पर लेकर कुछ कामयाब निकलती है युवक का नाम उन्हें नारियां निकलती है अपना देश को आगे ले आओ जहां पंक्तियों से भी नारियां निकलती है ज्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं है साहब मेरे घर में भी तीन आदमी करती है मेरी पत्नी एक महीने के लिए मार्केट आई वापस आई तो मैंने जान बताने के लिए अपनी पत्नी से पूछ लिया एक महीने में मेरी भी नहीं जा रहा थी उसने कहा हाँ आई थी मैंने कहा कब आई थी इसे कहा रेलवे स्टेशन का कुछ भी नहीं हुआ ना कब आने आई थी हर जगह होती है महिलाओं की तो बात ही छोड़ी ऐसे ऐसे उत्तर देश में ऐसे ऐसे उत्तर देश में
लेकिन हाउस हो गया, मैंने कहा कंसर्न करता है मेरे सपने को पुराने के लिए, मैंने कहा तुम मेरी भावना हो, तुम मेरी कामना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी सब कुछ हो, मेरी पत्नी से ही करते हैं, उसने भी कर्जा महसूस किया, जवाब दिया मुझे कि तुम मेरा मेज हो, तुम मेरे मेज हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे मारके वाले सुरेश हो। कर्जा उतना क्या भी करने वाले हो, तुमसे क्या कर सकते हो। बहुत सारी किताब होती है, मैं नमन करता हूँ, सारी महिलाओं को प्रणाम करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रणाम करता हूँ, यहाँ पर कोई सरदार भी ले रहा है आपसे बताओ है कोई क्या नहीं है, आपको हरना नहीं है। जब मैं पिछले दिन अमेरिका गया था, पिछले दिन अमेरिका गया था, पूरे विश्व के कारण देख रहे थे, सब अपने देश की पढ़ाई कर रहे थे, अमेरिका वाले ने कहा हमारे भाई का मछली का हाथ भी नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी हाथ लगा दिया, हमारे देश का 10 साल तक पुलिस का नहीं होगा, हमारा स्वाधीनता नहीं होगा क्या है, अरे हमारे वहाँ एक आदमी से पहले नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने नकली को लगा दिया, हमारे देश का 10 साल तक खुलवाड़ का खेल दिया था, गरीब भाई के बच्चे बोले हमारे यहाँ बनते हैं सबसे आगे, बोले हमारे यहाँ इंडिया का बिजनेस आ रहा है, बोले हमारे यहाँ तो पानी में सीन नहीं था, मुंडित नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने बीमारियों का काम साफा मार दिया, हमारे देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री ने सीखा है, समझ में आए तो पानी को बिगड़ने चाहिए, उमन में से कोई और होना चाहिए, आपके पास दौड़ होना चाहिए, हम तो सुनाएंगे आपको बहुत कुछ, मगर आपके भाइयों में भी जोर होना चाहिए, हमें होना चाहिए, हर जगह आज तक दो तीन चार चाहिए एकदम से लेकर हुआ था, एक चौधरी का एक टैटू का, नए नए लड़के लड़कियाँ जो आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उस पर टैटू बनवा रहे हैं, यहाँ टैटू बनवा रहे हैं, वहाँ टैटू बनवा रहे हैं, जहाँ जगह मिलता है वहाँ टैटू बनवा रहे हैं, अभी मैं कह रही हूँ दूसरा एक लड़का टैटू बनवा रहा था, लगा जोर जोर से बोले, मैंने कहा मुझे क्या हुआ, वो तो मेरा मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, अभी क्यों बनवाता है, उसने कहा डर से छोड़ दो रहा है कि कहीं गलत हो गया, मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा मैंने कहा था कमीने को सारे कमीने लग दिया, तो हमसे तो हमेशा है कि पूर्ण हो तो काली भी हरी लगती है, तो पूजा लगती हो तो काली भी हरी लगती है, पूर्ण हो तो काली भी हरी लगती है, पूजा लगती हो तो काली भी भरी लगती है, बोल तो अच्छे लगते हैं हर भाषा के, मगर हिंदी में हो तो गाली भी भरी लगती है, मगर सर ऐसा है कि हम पिछले दिन पूरा रहे थे, सारे लोग पिछले दिन से काले जा रहे थे, सामने काफी पैसे काली नहीं मिल रहा था, मैंने कहा जब आप टाइम कम मिल रहे हैं, मुझे कहा फ्लेट में पैसे आ रहा है, मैंने टाइम जाने के लिए हमें ऑर्डर रखे नहीं, बाद में नीचे शुरू हो गया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया, मैं कहा जब डांस करते हैं तो डांस कर, लेकिन मैंने कहा मैं यार मैं पैसे लगा रखे हूँ, मैंने डांस करने के लिए चार लोग रखे हैं, सब छह महीने के बाद शादी की शादी हो गई, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा है नहीं जाएगा तुम मेरे पैसे वाला आदमी है, तो ऐसा कर सकता है, यहाँ तो सब अपने पैसे जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो कोई नौकर नहीं कर रही है, काम मिल रहा है, खाने वाले मिला कर रहे हैं, खाना चाहेगा, सौ रुपये का आदमी कहीं को सौ रुपये का भी आज की कर्म होता हो, आपको समझना चाहिए, दो पैसे का आदमी टाइम ले लिए, ये हमारा पैसा हम बाप हैं, हम बाप थे पाकिस्तान के, हम बाप हैं और आगे भी बाप रहेंगे, हम बाप हैं तुम्हारे सदा बाप रहेंगे, जो जय वाले अपने आप कहेंगे कि यो हमारा था हमारा रहेगा। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं, मेरे सुनर है, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको और डॉक्टरों को भी देख करके मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप दो लोगों को कभी नाराज मत करिए, एक भगवान को और एक डॉक्टर को,
जब उसे भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है सीधा भगवान के पास भेज देता है। इसके लिए दो कंफ्यूजन फिर फिर करता हूँ, हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, हमारे घर में आज तक बच्चे पैदा नहीं होते ना, गाय बाप पैदा होते हैं, गाय इनका जो चीज के बच्चे सिंगर हाजिर जवाब उसके हाजिर जवाब की देखिए मैं इसलिए नहीं हो जिस मेहनत पर सुन आ गई मैं मेरी बच्ची मेरा आठ साल का बेटा जो कुछ करने के लिए थे। अगर आपके छोले बच्चे देखे हो तो अपने हाथों को बोलने का है मेरा साल के बेटा होते मैं मेरी पत्नी मेरा आठ साल का बेटा जो कुछ करने के लिए थे रात बारह बजे करने आ जाते थे मुझे मेरी स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा था मैंने दो टमाटर लगाया जिसे पकड़ दिया ऊपर से आटा डाल दिया फिर भी गलती नहीं रात को एक बजे अंदर था मेहमान वालों को देख कर कहता ये कन्या मेरा मुझे पूछे तो ठूक के लगाते नहीं था ये बात मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी उनके पीछे रिश्ता जाने लगे रात को बारह बजे एक बजे मेरा मेहमान ने उनको थाम देखा हो गया मैंने अपनी पत्नी को भूल कर देखा और कहा वो कन्या मेरा मुझे पूछे तो ठूक के लगाते नहीं था इसका सोचते मेरा आप साल का बेटा चादर के नीचे से मुंह निकाल कर कहता है अरे वो बंटी इसकी बुद्धि के सामने होता है ना बच्चे हो कुछ भी कर सकते हो बेटी की आदत हो गई धर्म करने पर लिख देती सब बोले निगम जी धर्म करने पर लिख दे धर्म काली होती है भैंस के चार पाए होते हैं भैंस के दो सींग होती है भैंस के एक पूछ होती है भैंस दूध देती है भैंस का दूध पी करके आदमी मजबूत बन जाता है बच्चे जिसके हाथी के बाबर लेगा सुनिएगा सर भी लोग उसी जगह फेल कर देगा क्यों फेल कर देंगे तुझे भैंस के अलावा कुछ आता ही नहीं जब तू कुछ बोलता हूँ तो भैंस को नहीं बन देता है आपको कुछ मिला तो नहीं बन सकते किताब में उसके फेल कर दूंगा मेरे बेटे ने एक बार लिखा सर को दिया सर मेरी माता पूछ लिया मेरे बेटे ने कहा उसको मीनार दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार उसके सामने एक सड़क है सड़क के किनारे परेला है परेले में भैंस है भैंस काली होती है भैंस के चार पैर होते हैं भैंस दूध देती है भैंस का दूध पी करके आदमी मजबूत बन जाता है और उनको कॉन्फिडेंस बनेगा ऐसा नहीं है मैं अकेले घर में देखना चाहता हूँ आपको लेकिन यहाँ समय नहीं है मैं सुना गया होगा ये जो भाग बहुत छोटा सा है हुआ था मैंने शुरू किया और भाई मेरे अकेले सुनाया मैंने सोचा भाई ने देखा सामने उसकी आगे देखा मैं कहा कैसे कहा तो कर दिया मैंने कहा तू ही मेरे को कहा था फाइन है उसने कहा फाइन वाइन को मारो बोलो मैं नहीं कर रहा हूँ बंद कर दो लेकर मारो ऐसे ही है तुमने मालूम किया तुम मेरी घर की यार कल 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 तालियां बजाओ है मकान मेरी घर की यार कल 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 जब ये कल कर जाना फिर से बच के रहना बात रंग भाए तो आवाज करना मुझे रोहती लूट रोह की खुशी ना कोई और यार कल 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 तालियां बजाओ है हजारे की दारें यार कल 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 योगा कैसे है रिश्ते वादे और इमारते उनकी समझ नहीं आते और एक बार यदि मिल जाए तो पांच साल हुआ दूसरा के जो भी है जैसा है उनका रस पैसा है देश बचाना सब तू हो या तेरी सब की है कमे की यार कम 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 पानी में बजाओ है हिसाने की गौर की यार कम कम थैंक यू धर्मा दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं
जो भी निर्णय आपका हो रहे हैं 2014 के बाद से हम लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी। राम मंदिर नहीं बन रहा था, राम मंदिर पर निर्णय नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि 56 का पूरा कहा गया है। संघ के निर्णय से अगर आप सहमत है तो तालियां बजाकर के आप अपनी तालियां नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। 72 सालों का ये निर्णय नहीं आ पाया, ये सरकार आई तो आया है। लोगों ने 4 दिन के पहले तक ये पूछना शुरू किया था कि 56 जिला कहाँ है, मोदी जी को दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने कविता लिखी, एकदम मुझे से सच्चा और ताजा ताजा लिखा है, इसके लिए मुझे आपको पेपर लेकर के कह रहा हूँ, लेकिन आपकी तालियां मैं सपोर्ट करने के लिए अगर 56 जिला सिद्ध हो जाए तो मोदी जी को 56 जिला कहाँ कहाँ दिखाते हैं कि जो ही और बेलालो देखो 56। आप शांति से बैठे हुए तो इतनी मेहनत की हुई मेरी कविता देखा जाएगी। 56 के लिए अगर आप सपोर्ट करेंगे, चल कर मेरा जो आया है उसमें कहीं ना कहीं मोदी का समर्थन हो तो आपकी तालियां और आपका समर्थन हमें चाहिएगा। जो ही और इससे पहले पूरी भारत की भी दफ्तर इसमें बनाया गया था कि भारत में सुबह को हटाया गया तो तिरंगा उठाने वाला एक भी हाथ नहीं मिलेगा। आज वो हाथ में पूरी पूरी महंगा आया है। तब मैंने लिखा है कि जो ही और दलालो देखो 56 नहीं नाता हम बोझ उठाए बैठे थे, मनुराए गुल्ला के सोते झगड़ाए बैठे थे, उठा तुम से 70 को तुमने जब फेंका तुमने ये पाकिस्तानी कुत्ते सारे दिन दबाए बैठे थे। तालियां भी कम कर दा, उठा तुम से 70 को तुमने जब फेंका तुमने ये पाकिस्तानी कुत्ते सारे दिन दबाए बैठे थे, महबूबा ने चाउस करे जो उन्नी और करीना दोही और दलालो देखो 56 सीना, दोही और दलालो देखो 56 सीना। चिंता खत्म कर तूने महिलाओं को मान दिया, चंद्रयान तू छोड़ हमें चंदा मामा का जान दिया, मंजिल कितनी कठिन नहीं हो लेकिन कदम बढ़ाया भी, रोक नहीं पाया कोई जब तूने मनो ठान लिया, ना के सबको जैसे ना तुझी मर्जीना, दोही और दलालो देखो 56। दो किलानी ने तीन मिनटे के लिए अपना पथ मोड़ा, कभी ऐसा हुआ था कि तीन ही अपना रास्ता छोड़ दे तीन भी जीत जाए, ये मोदी सरकार आने के बाद हो सकता था। और हुआ कि दो किलानी ने तीन मिनटे के लिए अपना पथ मोड़ा, अमेरिका भी सामा रहता है थोड़ा थोड़ा, किया तो निकल एक महीना भर में जीत कर मारा, पाकिस्तान से नीचे करके अभिनंदन को छोड़ा। लोग कहते हैं अभिनंदन को पाकिस्तान में छोड़ क्या जिनेवा समझौता कहता है, विपक्षी कहते हैं जिनेवा समझौता कहकर के छोड़ दिया, और भाजपा वाले कहते हैं नहीं नहीं मोदी के लाकर छोड़ दिया। एक विचार मेरा भी है उसका सपोर्ट करने का आपको से न जिनेवा के नाते छोड़ा न मोदी के नाते छोड़ा। अभिनंदन की मोदियों का मिलती है तो रोज का 250 रुपये है, पाकिस्तान भाई 250 रुपये में उसके पैसे खर्च कर जाएगा, फिर पैसे खर्च किया उसने कि दो के नाम मिले तीन मिले अपना पथ मोड़ा, अमेरिका भी शर्मा रहता है थोड़ा थोड़ा, किया कर निकल एक महीना भर में घुस कर मारा, पाकिस्तान तुम्हें से करके अभिनंदन को छोड़ा, और दुनिया भर की महाशक्तियों को छुटलाहा पसीना, दोही और दलालो देखो 56 सीना, दोही और दलालो देखो 56 सीना। और मोदी जी ने आपको क्या क्या दिखाई देता है, कृपा लौटा है की नहार की भोग भगत की छाती, बाल लौटा है की
सहार तू बोध भगत की खाते दिव्या की पूते रात रात की खाते इच्छा शक्ति पटेल सभी की दाढ़ी जैसे गुण है और बुद्धि विवेकानंद के जैसे काम कर दिन राती बारा सा है अंदर कैसा तू है रघुनाथ जोही और दलालो देखो छप्पन ऊँची चूना जोही और दलालो देखो छप्पन ऊँची चूना सर्वे रही भारत माता एक मान हमारा मोदी है सपोर्ट आपकी ताइया सपोर्ट करेंगे सारा मेरी बातों का कि सहे रही भारत माता एक मान हमारा मोदी है शोषित वंचित महिला का एक मान हमारा मोदी है सभा का जनता का हमारा मोदी है और यूँ कहिए कि पूरा हिंदुस्तान हमारा मोदी है और जन जनों को आज कर दिया है हम उसके बिना जोही और दलालो देखो छप्पन इंची चूना जोही और दलालो देखो छप्पन इंची चूना सुरेश मिश्र और अब मैं आगे का कार्यक्रम शुरू करूँ उससे पहले मैं निरोधन करूंगा कि आगे की कुर्सियां खाली करके आप सभी महानुभाव लोग थोड़ा आगे बढ़ जाए और हमारे जो आज के सम्मानीय अतिथि हैं पधारे हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच पर हमारे मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जी पृथ्वीराज जी भंसाली साहब पधार चुके हैं श्री मनीष कुमार जी के संग कृपया इन सभों पर विराजमान का कुछ करें श्री नरेश श्री मेहता जी जयंती भाई बापना का बहुत बहुत अभिनंदन श्री अरविंद भाई श्रीमान श्री ओम प्रकाश कानूनगर जी श्री बाबूलाल जी गांधी प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन श्री अमृतलाल जी कटारिया श्री पृथ्वीराज जी जैन महात्मा के अध्यक्ष श्री पवनलाल जी मेहता श्री चंद्र कुमार जी भंसाली श्री मांगीलाल जी जैन श्री दिलीप जी महेश्वरी जो भारत विकास परिषद महाराष्ट्र है श्री विजयराज जी चंद्री श्री संपत राज जी दूर श्री अमित जी दिवालिया श्री राजेंद्र जी चंदन श्री नरेश कुमार जी खाजे श्री धर्मेंद्र जी दोषी श्री श्रीमती ईसा जी मोहन श्री संजय एस जी चंद्री और श्री महेंद्र जी गोता कृपया आप सभी आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। अतिथि लोग कैसे आगे आ गया और हमारे जो सम्मानीय दानदाता है वे भी कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं हम उनका सम्मान करने वाले हैं। दिवाली देव और मेरी दिवाली परसों मंगलवार को मेरी देव दिवाली है यानी हम एक तरह से यह प्रकाश का रोज पूरा पखवाड़ा है वह भी मना रहे हैं तो उस संबंध में क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम सबका सनातन समाज का भारतीय संस्कृति का कि जब मन में हो मौज बहार आती जब मन में हो मौज बहार आती चमक चमकाए चमक सितारों की जब खुशियों के सुख घेरे हो तनहाई में भी मेले हो आनंद की आदा होती है उस रोज दिवाली होती है उस रोज दिवाली होती है जब प्रेम के दीपक जलते हैं जब प्रेम के दीपक जलते हैं सपने जब सपने बदलते हैं मन में हो मधुरता भावों की जब लहके फसल चावों की उत्साह की आभा होती है उस रोज दिवाली होती है उस रोज दिवाली होती है जब प्रेम के मीत बुलाते हैं जब प्रेम के मीत बुलाते हैं दुश्मन भी गले लगाते हैं जब कहीं किसी से गैर न हो सब अपने हो कोई गैर न हो अपनत्व की आभा होती है उस रोज दिवाली होती है उस रोज दिवाली होती है जब तन मन जीवन सज पाए जब तन मन जीवन सज पाए सद्भाव के ताजे बज पाए महकाए खुशबू खुशियों की मुस्काए चंद्रिया चिड़ियों की सृष्टि की आभा होती है और उस रोज दिवाली होती है उस रोज दिवाली होती है। और अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मैं भारत विकास
आज परिषद के हमारे अध्यक्ष और दूसरे प्रयासों से इस भारत विकास केंद्रीय ट्रस्ट की स्थापना सांसद में हुई थी। आप हैदराबाद में रहते हैं आदरणीय श्री नरसिंह कानूंगो और हैदराबाद में भारत विकास परिषद से कई वर्षों से जुड़े हुए थे। जब सोमनाथ जी मेहता के प्रयासों से भारत विकास परिषद की स्थापना सांसद में हुई और उसके बाद में नरसिंह ने यह सोचा कि यहाँ पर एक दिव्यांग सहायता केंद्र स्थापित किया जा सकता है, तो उन्होंने हमारे जो संरक्षक है भारत विकास परिषद मुंबई सेंट्रल शाखा के यहाँ के प्रख्यात सदस्य कानूनों से संपर्क किया और भारत विकास परिषद की स्थापना की। प्रकाश जी ने भव्य अपनी तरफ से दान दिए अपने बच्चे के शादी के मौके पर और उस पर एक भव्य इनाम से खरीदकर के भी और बड़ा 14 वर्षों से जो सतर्क जहाँ विभिन्न चल रहे हैं जैसा मैं आगे आपको बताऊंगा तो वो चल रहे हैं और अब मैं उसी प्रस्तावना को आगे शुभ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय नरसिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि नरसिंह जी का क्या कहना है और अपनी बात करें। भारत विकास परिषद के 14 वर्ष के जो करार की रूपरेखा एवं 14 वर्ष की हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप सब समाज के सामने रखने का हमारा दायित्व बनता था। कुछ नाते आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान ओम प्रकाश जी कानूंगो जो अखिल भारतीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे अध्यक्ष जी भंसाली अखिल भारतीय भंसाली परिवार से हमारे मेहमान हैं, विशेष अतिथि रूप में पधारे हैं। आप दोनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ साथ में सांसद में चार प्रकल्प चलते हैं, दिव्यांग सहायता योजना, मेडिकल सहायता योजना, फिजियोथेरेपी की सहायता एवं सिलाई केंद्र, इस प्रकार के चार प्रकल्प सफलतापूर्वक चल रहे हैं और चारों के आज हम सहयोगी हमें प्राप्त हो चुके हैं। उन डाकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके यहाँ आज यहाँ उनका हमारा सौभाग्य है, उनका बहुमान करने का अवसर है और हम इसके बाद में हम बहुमान करेंगे। और इसके अलावा आप सभी साझे पति के हमारे मानुभाव आप सबका बहुत बहुत समय समय पर दान हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी दानदाताओं का आपका सुधार है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में साझे और पति की जितनी संस्था है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने आज काम करती है, आज इस कार्यक्रम में हमने ज्यादातर संस्थाओं के अध्यक्ष को यहाँ बुलाने का एक हमने मानसिकता बनाई थी। उस नाते काफी हमारे सम्माननीय अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे बंधु मेहमान साथियों से भी साथियों में जो शाखा चलती है उनके अध्यक्ष उनके मंत्री और भी कई सदस्य या पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिष्टमंडल मेरे प्रशिक्षण सहयोगी साथी उन सबका भी धन्यवाद। आप सबको विजित है भारत विकास परिषद एक सामाजिक एक सांस्कृतिक संगठन और राजनीतिक जो 1963 से पूरे देश भर में 1500 स्थापनाओं के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा समाज के संस्कार एवं सेवा के प्रकल्पों को लेकर देश भर में विकास की इस गाथा को आगे बढ़ाती जा रही है।
हमारे करीब करीब 400-450 ट्रक्स पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। 1981 में मैं हैदराबाद गया था और 1989 में भारत विकास परिषद की पहली शाखा दक्षिण भारत में हमने प्रारंभ की थी और उसके बाद में दक्षिण भारत में कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। कई वर्षों तक मैं हैदराबाद के कार्यों में लगा हुआ था। साथ में 1999 में भारत विकास परिषद का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहले साल जिससे मैं हमारे सोनदा जी मेहता जो हमारे ट्रस्टी है साथी शाखा के प्रथम अध्यक्ष थे और आपके नेतृत्व में एक सुंदर दिव्यांग शिविर पहला पड़ा बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ था और उस कार्यक्रम में करीबन 1000 लोगों को मिलवा गया है। अलग अलग तरह के दिव्यांग किसी को अंग दिए गए किसी को बस पासों की थी किसको पेंशन योजना में अंदर बनाने का समाज का जो वो सरकार का जो समाज कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर के भारत प्रसिद्ध है बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को हमने राष्ट्रीय स्तर पर जब कार्यक्रम की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई तब उस 1999 में सातों शाखा को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था श्री सोहंगा जी माता के नेतृत्व में और सोहंगा जी को उसमें जिला के आप प्रभावित है आपको व्यक्तिगत भी उसमें नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला था और वो उसको मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम में था। मैंने साधु का नाम जब सुना तो मेरा सीना चौड़ा हो गया क्योंकि मैं कई वर्षों से मैंने महसूस करता था कि अपने साधु जो अपनी जन्मभूमि है क्योंकि हम बॉम्बे में अलग अलग शहरों में जो कार्य करते हैं ये हमारी जन्मभूमि है व्यापार के लिए हम आए हैं मगर जो जन्मभूमि साधु जिसका अन्न खाया जिसे पढ़ाई की फले फूले बड़े हुए हमारा उस साधु से मिल जाता है और हमें उस ऋण को चुकाना जरूरी है। उस साधु को हमने हमेशा खुश रखी थी कि केवल कुछ साधुओं में ऐसे प्रमाणित प्रकल्प चालू किया जाए। 1999 के बाद में जब भी मैं साधु रहता था कि सोना भी नचा मुझे बुला करके बातचीत होती थी और प्रकल्पों को विचार होता था ऐसे छोटा लक्षण और हमेशा विचार प्रतिक्रिया किया जाए कुछ न कुछ प्रकल्प को प्रारंभ किया जाए क्योंकि हम सब सौंदर में अलग अलग शहरों में अब तो बहुत कमाते हैं तो अब तो उपयोग कहाँ है उसका तो मंदिर का भरासा थी। उसी दरमियान 2000 में श्री प्रकाश जी का लिंग उसमें जेपीएल का कॉन्फ्रेंस था हैदराबाद में आप अपने कॉन्फ्रेंस में अपने साथियों के साथ में पधारे थे क्योंकि हैदराबाद में हमने 1995 में सर्दी चालू करने का हैदराबाद में तो जब प्रकाश जी पधारे अपने टीम के साथ में हमने सभी उनके सहयोगी दोस्तों का मित्रों का वहाँ पर विजिट करवाया। प्रकाश जी हमारे केंद्र देखने के बाद में बहुत प्रभावित हुए और उसी समय उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि लगभग हमें सातों में विज्ञान संकल्प चालू करना है। मेरे को मेरी अभिलाषा थी मेरे मन की इच्छा थी वो प्रकाश जी ने अपने मुँह से उसी समय छोड़ दी। मतलब प्रकाश जी जरूर आपकी जो मन के भाव है आपकी इच्छा है जरूर हम सातों में जल्दी से जल्दी चालू कर लेंगे और हम जो मित्र उसके ऊपर विचार करते थे मेरी सोना जी के रूप में हमारे पास कार्यकर्ता थे उसी जोड़ी थी और प्रकाश जी जैसे जो भामाश्वर हमारे साथ में जुड़े हुए थे उन्होंने मन में अभी अभिलाषा होती थी और बोला मैं मेरा फार्म हाउस में लैंड देता हूँ आप वहाँ पर चालू करिए। उन्हें जो देखता के बाद में प्रकाश जी के बच्चे की शादी होने वाली थी और उन्होंने अपने आप छोटे कर दिया कि नहीं मेरे बच्चे की शादी के उपलक्ष्य में मैं भवन की ग्राउंड फ्लोर भी बना के देता हूँ। मतलब सारा कुछ हमको बोलना नहीं पड़ा और आपके मन से उद्घार हो गए। मैंने विषय को भक्तिदास पटेल वाले सेंटर में बहुत पॉलिसी पर रखा क्योंकि मेरा देश में 12 सेंटर वाले चलते थे पर सांसद एकदम पश्चिम राजस्थान का सबसे अंतिम छोर जो पाकिस्तान का बॉर्डर इधर हमारा मंडल सबसे बड़ी तहसील करीबन 200 से ज्यादा गाँव और ज्यादा गाँवों में कोई साधन नहीं इधर अहमदाबाद इधर जयपुर तक कोई दिव्यांगों की व्यवस्था नहीं ऐसे में मैंने सोचा कि दिव्यांग
वहाँ पे केंद्र चालू किया जाए। ऐसा मैंने हमारे सेंट्रल कमेटी के सामने प्रपोजल रखा, उसी तरह ही मैंने स्वीकार कर दिया। 2005 में उन्होंने मुझे स्वीकृति दी कि आप साझोर में सेंट्रल ट्रस्ट की स्थापना करिए। उन्हीं से उस समय हमने पांच हमारे ट्रस्टियों को जोड़ करके हमारे सभी ट्रस्टी होते हैं जो पद में रहते हैं ब्रांच स्टेट और नेशनल, तीन तरह का हमारा चार सिस्टम है। उससे ट्रस्टी हमारे पदों में रहते हैं और पांच ट्रस्टी समाज से हमने इसमें लिए गए। इस प्रकार हम कानून को किशोर राज्य मेहता लक्ष्मी मंदिर द्वारा इसी प्रकार से हमने ट्रस्टी लिए गए उस समय और हमने अपना ये भवन बन चुका था। और अगस्त 2005 में इस उद्घाटन कार्यक्रम कानपुर में समाज कल्याण मंत्री उस समय से दिलावर जी कोटा के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय सहभागी थे वो आए और उस समय ये हमारा सेंटर प्रारंभ था। सबसे निरंतर विश्राम की अच्छी शुरू थी 2006 में, जब हमने जब साधु कैसे का विजिट किया तो कई गाँवों में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। जब जब सरकार के मेडिकल सेंटर तो बने हुए हैं, वहाँ पर डॉक्टर हैं, वहाँ पर नर्सेज हैं, कोई साधन नहीं था। तो हमने उन्हीं से विचार किया कि उन्हें मेडिकल सेवा भी चालू की जाए। उन्हीं से कोई वैन के अंदर डॉक्टर को बिठा कर हर रोज दो गाँव में हम अपने मेडिकल वैन को भेजते थे। निःशुल्क उनका उपचार होता था और अपन दवाई भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस प्रकार से 2006 में हमने मेडिकल सेवा प्रारंभ की। कई वर्ष तक तो हमने सब जितने भी हमारे सातों पैसे के गाँव है वहाँ पर जाकर के सेवा की। उसके बाद में जब देखा गया सभी गाँव में प्रचार हो चुका है और 2010 के बाद में हमने स्थायी रूप से हमारे सेंटर में उस समय दफ्तर को बिठा करके ये सेवा प्रारंभ की। आपको जान करके खुशी होगी कि अभी तक तो 408 दिवस हो चुके हैं, उसमें करीब 130,000 लोगों का उपचार। मतलब डॉक्टर साहब देखते हैं उसके बाद दवाई भी दो या तीन दिन का जो भी आवश्यकता उनका दी जाती है ऐसा होता हुआ। इसी प्रकार से बिंगाल में 2005 में जो प्रारंभ हुआ करीबन अब तक 5,000 अंग हमने हाथ और पांव निःशुल्क हमने समाज के भाइयों को दिए। आप जानते हैं दूर दराज के लोग जयपुर में जो ग्यारह सीकर मतलब जयपुर में भी होता है कई साधु में आए हैं उन लोगों को अपने आगे प्रदान किए। इस प्रकार से कई वर्षों तक हमारे दो सेवा चलती है। उसके बाद में जोधपुर में हमारी भारतीय राष्ट्रीय अच्छी न्यूज चलती है, वहाँ पे एक मेजर सेंटर चल रहा था, हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया। और साधु में भी जो महसूस हुआ कि कई लोग खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अंग शिथिल हो जाते हैं या अफवा हो जाता है, हाथों पाँव काम नहीं करते हैं, तो क्यों उन्हें शिशु का भी सेंटर का स्वागत किया जाए। वो नाटक जोधपुर का सेंटर देखने के बाद में हमने 2010 के अंदर इस विचार को मन में रखा और उन्हीं से भी ये शिशु को भी सेंटर स्वागत में शामिल हुआ। उसके बाद में फिर हमारे जगह का स्वागत हो गया, किसी की जगह में प्रतिष्ठित करके वहाँ पर भवन बनाया और उसके अंदर हमारा ये जो फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है। आपको जान करके बड़ी खुशी होगी अभी तक 2010-2019 में करीबन 36,187 भाइयों को इसका लाभ पहुँचा है। इस प्रकार से ये फिजियोथेरेपी सेंटर की साथ में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। हमने वेलकम देखते हैं आचार्य में 5,000 रुपये का स्वाद भी ग्रस्त था और हमने बिल्कुल हम लोग एक साथियों का रखकर के इसका ये संचालन करते हैं और बहुत अच्छा इसका लाभ समाज में हम लोग। उसके बाद में जब भारत सरकार के स्वावलंबी योजना का जो हमने सुना कि आज सबसे ज़्यादा जरूरत है रोजगार की, क्या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का जोर है, ये विषय हमारे दिमाग में बहुत समय से चल रहा था। और कुछ किसी को ध्यान में रखकर के कौन सा रोजगार का कार्यक्रम चालू किया जाए, तो हमारी ऐसी बहनें जो अनपढ़ है और घर चलाने के लिए सबसे महंगी है उन लोगों के लिए स्वयं केंद्र का विचार हमें और स्वयं केंद्र की स्थापना हमें
दो साल पहले शादी में प्रारंभ की, जगह हमारे शादी की और आपको जानने के लिए खुशी होगी महीने में कम से कम 50 बहनें रजिस्ट्रेशन करवाती है, 2 या 3 महीने में सैलरी सीख जाती है, उसके बाद में वो अपने घर में अपना ये रोजगार का कार्यक्रम चालू करती है, डेली 5 रुपया कमा लेती है। आपको अभी इसकी रिपोर्ट आई वीडियो के अंदर आपको दिखाई जाएगी, आपको सारा फोटोग्राफी और उनके जो लाभार्थी का उनके मुख से उनका निरीक्षण पूरा आपको अभी देखने को सुनने को मिलेगा, सब आपको पूरी इसकी जानकारी समझना है, जिस प्रकार से चारों के तरफ आपको भी जान जाता हूँ कि सहयोग से आपके पास स्ट्रक्चर 14 वर्ष से चला रहा है, आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा और आप सब इस संस्था से जुड़े ये अपेक्षा यही भाव लेकर के मैं आपके सामने अपने बात में सबसे गुणवाणी को विस्तार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक जी, आप सब समझ सकते हैं कि कितना सपना पड़ता है, कितना लगना पड़ता है, कितना श्रम और कितना अर्थ लगाना पड़ता है, तब जाकर के कोई प्रकल्प या कोई संस्था या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इतनी प्रगति कर पाता है। दर्शक जी के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको दरिया है, हमको दरिया है, हमें अपना होना मालूम है, जिस तरफ से चल करेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ से चल करेंगे रास्ता हो जाएगा। मित्रों, 14 वर्ष का जो ये सफर इसी तरह पूरा हुआ, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपके समक्ष ये रख रहे हैं कि किस प्रकार इसकी विकास यात्रा संचालित हुई। नर्सिंग जी ने तो अभी आपके सामने अपने वक्तव्य में रखा और हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको पूरा देखेंगे, ताकि हम सब में ये भाव जगे कि हमको ये मानवता के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पूरे सनातन का सबसे ही सतत अर्थ है, जो तुम हर दिन जहां रंग तुम हर रात है। आज हम महानुभाव सातों का परिचय इस प्रकार से है कि राजस्थान के पश्चिम भाग में ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में ये सातों सत्यपुर के नाम से विख्यात है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही भगवान महावीर स्वामी का प्रसिद्ध सत्य रहा है। पुष्कर पुराण के अर्बुदा खंड में भी यहाँ के वैभव का वर्णन है। कहा जाता है कि यह नगर दक्षिण में दूरदर्शन हनुमान जी मंदिर से, उत्तर में सतीदाता मंदिर सिद्धेश्वर तक विस्तृत क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था। वर्तमान में यहाँ पर श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला का मेला जो भारत की सबसे प्रसिद्ध गौशाला स्थित है, जहाँ पर हजारों गायों की अद्भुत सेवा की जा रही है। ऐसे ही महावीर गौशाला और सरस्वती गौशाला भी मुख्य प्राणियों की सेवा के लिए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक नगर में जन जन की सेवा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से 6 मई 1999 में श्री सोनराज मेहता के प्रयासों से भारत विकास परिषद की शाखा का गठन किया गया। भारत विकास परिषद समाज के विभिन्न व्यवसायों को कार्य में लगे हुए व्यस्तम लोगों का एक राष्ट्रीय राजनीतिक निर्वाह समाजसेवी एवं सांस्कृतिक संगठन है, जिनका पावन उद्देश्य समाज का सर्वांगीण विकास करना है, जिसका एक ही लक्ष्य है माँ भारती की सेवा करना, जो संपर्क सहयोग संस्कार सेवा और समर्पण के मूल मंत्र पर कार्य करता है। मालाराम विष्णु यूनिवर्सिटी देवरा एक संस्था में 2005 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी दुर्घटना भी 2005 में हुई थी और यहाँ आने के बाद मुझे खुद मिला जो चलने के लिए मेरे लिए बहुत ही
कि दो संस्था का बना और उसी से पहला कदम मैंने उसी यहाँ की संस्थाओं से मैंने ये काम किया था और यहाँ पर जो प्रकाश जी जिनसे मैं परिचित हूँ उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में वो जैसे मुझे को किया गया वो आप मौजूद थे, उनके घर से भी मौजूद थे और ये संस्था बहुत ही अपने जालौर जिले क्या मैं मानता हूँ वास्तव में भी इस पर अग्रिम रूप से काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ के जो भी भाई बामलाल जी दिवासी रमेश जी दिवासी रोस्ता भाई सभी जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और हर मरीज के साथ सालों का जैसे साथ हैं सबको मैं जानता नहीं हूँ सभी को जानता हूँ मगर सभी लोग यहाँ धन्यवाद के पात्र हैं जो एक में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इसी परिषद के द्वारा समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविरों का आयोजन किया गया। यहाँ के प्रवासी श्री नरपति कानून के मन में यहाँ की सेवा को देख करके सातों में दिव्यांग सेवा प्रकल्प का प्रारंभ करने का विचार आया और उन्होंने यहाँ के परिषद के सदस्यों के साथ में विचार विमर्श किया और अगस्त 2005 के अंदर भारत का परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया और इस ट्रस्ट के द्वारा दिव्यांग सहायता केंद्र का प्रारंभ किया गया जहाँ पर दिव्यांग सेवाओं की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ का टेक्नीशियन दिव्यांग भाई बहनों के नाम लेकर के आवश्यकता अनुसार प्रतिम हाथ पैर इत्यादि बना करके सरकार प्रदान करता है। जयपुर फूड सेविंग में बनाए गए दिव्यांगों के लिए ये कृत्रिम हाथ पैर वरदान साबित हो रहे हैं। जोधपुर से अहमदाबाद के बीच में ये दिव्यांग केंद्र दिव्यांग भाई बहनों के लिए आशा का केंद्र है। क्षेत्र उत्तर में मार्च 2018 में एक प्राकृतिक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मोबाइल चिकित्सा टीम के द्वारा गांव गांव में जाकर के जरूरतमंद मरीजों की जांच करके उनको निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाती है। क्षेत्र के 199 गांवों में जाकर के प्राथमिक चिकित्साएं इस सेंटर के द्वारा प्रदान की गई। चैरिटेबल ट्रस्ट में सातों के आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी फिजियोथेरेपी की सुविधा न होने के कारण दिसंबर 2010 में ट्रस्ट भवन में ही फिजियोथेरेपी सेंटर का प्रारंभ किया गया जहां वर्तमान में डॉक्टर आदित्य माथुर अपने समर्पित और पूर्ण सेवा भाव के साथ में चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। दूसरे सेंटर पर रीढ़ की हड्डी लकवा कमर दर्द भुट्टा का दर्द गठिया दुर्घटना से ग्रसित मरीज एवं जन्म से दिव्यांग भाई बहन कई प्रकार की असाध्य बीमारियों से ग्रसित रोगी अपनी चिकित्सा करवा करके लाभान्वित हो रहे हैं। उनका नाम अखिला मेरे पिता जी हैं। हम लेकर संगा गांव से बिलोंग करते हैं। पिछले 5 महीने से इनकी हेल्थ इंजरी होने का चार बार तक हो गया था पूरा भाई टाइम का डायरेक्ट ले गए डॉक्टर हेल्थ की वजह से इनको पहले से सोने की वजह से हम फिजियोथेरेपी सेंटर में आ रहे हैं पिछले 2 महीने से। यहाँ पे डॉक्टर अभी की मात्रा अभी का मैं की वजह से इनके कैरेक्टर जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है अभी और हम कंटिन्यू करेंगे 5-6 महीने तक अभी भी। थैंक यू। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से ट्रस्ट के द्वारा नवंबर 2018 में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया जहाँ सिलाई कला में एक दक्ष महिला प्रशिक्षक जरूरतमंद महिलाओं को युवतियों को सिलाई कला सिखा करके उनको आत्मनिर्भर बना रही है। और मेरे पिताजी का नाम रुकी मैं मुझे गर्व है। अच्छी जीवन से मैं पिताजी को आ रही हूँ। इतनी समय में सिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ और मुझे इतने से चला है और सब कुछ हमें इतनी तो मैं मुझे सीखा है और हम बाहर से विकास परिषद का मुझे शुक्रिया करना चाहते हैं और पहले हमारी बहन ने मुझे कुछ दिन में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं घर पर और अपने रुझान कर रही है और हम भी सीख के हमारा तरह से खड़ा होना चाहते हैं। यहाँ पर दो शाखाओं के रूप में कार्यरत है, एक भारतीय परिषद की मुख्य शाखा और दूसरी भारतीय परिषद विवेकानंद युवा शाखा।
आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर केवल गुरुवंदन छात्र अभिनंदन राष्ट्रधाम प्रतियोगिता राष्ट्रीय समुदाय प्रतियोगिता इत्यादि कार्यों के द्वारा परिषद ने अपनी अलग से पहचान बनाई है। परिषद के द्वारा समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा निःशुल्क दिव्यांग सहायता सेवा और इसी कड़ी में हर वर्ष नियमित क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं में मूल प्राणियों के सेवा के लिए दानदाताओं के सहयोग से प्रतिवर्ष लाखों रुपयों का पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज की इस पवित्र सभा में मैं सबको आह्वान करना चाहूँगा कि भारतीय का संसद और केंद्र उत्कृष्ट के सेवा भावी कार्यों के लिए आप उदार मन से सहयोग प्रदान करें। धर्म किए धर्म बढ़े और धन बल मन पर उदार मन बढ़े महिला बढ़े बजट बजट बढ़ जाए। जय भारत। स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण राजस्थान के एक कोने में स्थित है जहाँ से 250 किलोमीटर तक में विद्यालयों के लिए नौ चीजों की व्यवस्था उपलब्ध है। कुछ नाते इसकी स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। गत 14 वर्ष से दानदाताओं के सहयोग से यह केंद्र सफलतापूर्वक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट पर काफी में कई वर्षों से सेवा का काम कर रहे हैं। इस सेवा के कारण लक्षद्वीप काली व हैदराबाद मिल के पत्थर है। हमारे मुख्य दानदाता प्रकाश फाउंडेशन बॉम्बे के दानदाता हर सेवा के काम में हमें सहयोग करते हैं। मुझे आशा है आप इसी प्रकार भारत विकास परिषद जो चैरिटेबल ट्रस्ट को आप सहयोग करते हैं। भारत विकास चैरिटेबल ट्रस्ट को गत 14 वर्ष से अपनी अमूल्य सेवा क्षेत्र के लोगों को प्रदान कर रहा है। संस्था की मुख्य प्रेरणा का श्री संपत्ति कानून हैदराबाद व मुख्य उद्योगकर्ता श्री प्रताजी कानून के असल प्रयास से यह संस्था अपने लाभ अर्जन करी जिसमें मुख्य लाभार्थी परिवारों के सहयोग से संस्था इस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि हजारों लोग इस संस्था द्वारा चलाए गए चारों सफाई प्रोजेक्ट का लाभ ले रहे हैं।